हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास यहाँ पे एक ट्रैक्टर का डेक आया हुआ है। ये फ्रेंड्स 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है और इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 5200 और 1943 के पेयर लगे हुए हैं। ये स्टीरियो में 200 वाट का है फ्रेंड्स, 100+100 वाट का। और यहाँ पे इसका ये कन्वर्टर सेक्शन है, यहाँ से 12 वोल्ट से यहाँ में 35 से 40 वोल्ट के करीब आगे यहाँ पे इन दो कैपेसिटरों पे देता है। तो फ्रेंड्स, आज इसमें देखते हैं, इसकी एक साइड चल रही है, एक साइड बंद है, मतलब जो हमारे मेन मॉस्फेट इसमें होते हैं ये हमारे इसके 100% ओके हैं। इसके हमारे इस साइड में एक चैनल में प्रॉब्लम है, वो हम इसकी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे एक बार खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ से भी आप देख सकते हो ये प्रिंट थोड़ा जला हुआ है, बट ये साइड इसकी चल रही है। इसकी फिलहाल प्रॉब्लम इस साइड पे है। मैं एक बार यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसे एक बार यहाँ पे चला के देखूंगा, चला के आपको भी दिखा दूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम इस पे यहाँ पे डायरेक्ट सोल्डिंग ही एक बार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसमें म्यूजिक प्ले कर लिया है। अब हम एक बार इसमें स्पीकर लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे इसमें साउंड आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। शायद रिकॉर्डिंग में आवाज आ जाए, इसमें आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, बिल्कुल लो क्वालिटी की साउंड। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई ज्यादा फॉल्ट हमें पाने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये या तो हमारे बेस ट्रबल बोर्ड में प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे इस बोर्ड में प्रॉब्लम लग नहीं रही, क्योंकि इसमें बहुत ही कम साउंड हमें यहाँ पे सुनाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारी ये बोर्ड की इनपुट आई है, ये आप देख सकते हो, ये हमारी बोर्ड की इनपुट बेस ट्रबल बोर्ड से जो आई है वो यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले या तो आप इन दोनों को किसी चिमटी की मदद से आप इसमें शॉर्ट करके देख लीजिए, या फिर ये वायर इधर कर लीजिए और ये वायर इधर कर लीजिए, दोनों वायर को आपस में चेंज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वायर को सोल्डिंग कर रहा हूँ और सोल्डिंग करके यहाँ पे इनको शॉर्ट करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्पीकर की वायर को सोल्डिंग कर लिया। अब हम इसे दोबारा एक बार ऑन करके फिर चला के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें ये कनेक्ट कर लिया है और सॉन्ग इसमें चल चुका है। शायद आपको थोड़ी बहुत ही आवाज़ सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, क्योंकि आवाज़ बहुत कम यहाँ पे हमें मिल रही है। तो अब हम इन्हें एक बार, ये जो हमारी इनपुट की है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से अगर हम भी टच करते हैं तो ग्राउल आती है, इधर से नहीं आएगी क्योंकि हमने इस साइड पे स्पीकर की वायर लगा रखी है। तो अगर इसको इसके साथ टच करते हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी साउंड जो है वो आ चुकी है। और अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो साउंड हमारी एकदम से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये बोर्ड है वो बिल्कुल ओके है। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें बेस ट्रबल सेक्शन में मिलेगी। तो हम इसको छोड़ के एक बार बेस ट्रबल सेक्शन को यहाँ पे खोलते हैं। इसे यहाँ पे सीधा कर दें। मैंने पीछे से बैटरी की वायर हटा दी है और अब हम इसका जो बेस ट्रबल सेक्शन है वो खोलेंगे, बेस ट्रबल का बोर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है।
अब हम इसे एक बार दोबारा ऑन करते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम, हमें ये तो पता लग गया है कि सिर्फ इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, वहाँ पे इनपुट अगर हम सही वाली जो हमारी इनपुट है उसे देते हैं तो हमारा सेट चल जाता है। और हमने दोबारा ऑन कर लिया है, यहाँ पे साउंड आ रही है, बहुत कम, स्पीकर पास में ही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ये टोन है, ये हमारा इसमें वॉल्यूम का है, इस साइड पे हमारी नेगेटिव होती है, ये हमारी ग्राउंड होती है, और जो हमारी बीच वाली पिने है वो हमारी आगे यहाँ से बोर्ड में जा रही है। और आप देख सकते हो, अगर हम इनको भी यहाँ से टच करते हैं तो आवाज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है। कि जब हम जो हमारे बोर्ड से इनपुट हमें यहाँ पे मिल रही है, अगर हम इन दोनों को, ये हमारी ये दो पिन गई है, इन दोनों को आपस में टच करते हैं तो यहाँ पे साउंड नहीं बढ़ती है, और जो हमारी बोर्ड में साउंड जा रही है, मतलब हमारे बेस ट्रबल से जो आ रही है, हम इनको टच आपस में करते हैं, नहीं बढ़ रही, और ये हमारे मदरबोर्ड में जा रही है और इनको आपस में टच कर रहे हैं तो हमारी साउंड बढ़ती है। मतलब अगर अब हम ऐसे करके देखेंगे एक बार, ये देखो, हम अगर इन दो पिनों को टच करते हैं तो भी हमारी साउंड यहाँ पे अप हो जाती है। अगर हम इन दो पिनों को भी यहाँ पे टच करते हैं तो हमारी जो साउंड है वो अप हो जाती है, मतलब हमारे इस वॉल्यूम टोन में प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बहुत ही छोटी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिली है। मुझे लगा था शायद कोई अच्छी प्रॉब्लम होगी, समझाने को कुछ अच्छा मिलेगा, बट ऐसा इसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन प्रॉब्लम रेयर आती है, बहुत कम चांस है कि वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि झड़ झड़ तो करता है कई बार, जैसे आवाज़ कम ज़्यादा अपने आप हो जाती है, बट आवाज़ बंद ही हो जाए ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ये भी एक है तो एक नया ही फॉल्ट। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये टोन चेंज कर देंगे, यहाँ पे 47K का टोन नया लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये डस्ट के कारण हो जाता है, वैसे जिसने ये लगाया है आप देख सकते हो इस पर अच्छी तरह, तीनों टोन पे उसने टेप से चारों तरफ वो कर रखी है, बट फिर भी डस्ट अंदर चली ही जाती है। ये रख रखाव के ऊपर है कि जो इसे चला रहा है वो इसे कैसे रख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टोन चेंज हो चुका है, अब एक बार इसे ऑन करके देख लेते हैं। ये आप सुन सकते हो, ब्लूटूथ मोड बोल चुका है, ये ओके हो चुका है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो सेट है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है, बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इसमें कोई ज्यादा तो फॉल्ट यहाँ पे मॉस्फेट वगैरह का या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह का फॉल्ट तो हमें नहीं मिला, ये छोटा सा एक वॉल्यूम टोन का फॉल्ट था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।